इकोनॉमिक्स जैसा हम जानते हैं कि एक मार्केटेड तो एक बोरिंग विषय के तौर पर है, पर मेरे हिसाब से ये उस बाइंडिंग एजेंट का काम करता है जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स इन कॉमर्स रिलेट होते हैं। इकोनॉमिक्स का वैदिक ओरिजिन अगर देखोगे तो वेदों में अथर्ववेद लिखा गया है, जो अर्थ पैसे को संभालने के लिए है। ग्रीक ओरिजिन देखोगे तो ग्रीक सभ्यता ने ओकियोनोमीज वर्ड यूज किया, जो बन के आया इकोनॉमिक्स। और ओकियो और नोमीज का मतलब था, ओकियो मींस हाउस होल्ड, नोमीज मींस मैनेजमेंट। पुराने जमाने में घर की गृहिणी जब किराने का सामान और सारी चीजों की व्यवस्था संभालती थी तो वो हाउस होल्ड कहलाता था और नोमीज कहलाता था मैनेजमेंट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ओकियो एंड नोमीज इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सर हम क्यों पढ़ते हैं, काय के लिए पढ़ते हैं, क्या है और किस तरह की ब्रांचेस हैं, आज उस पर बात करेंगे। पर दो पॉइंट्स पहले क्लियर कर दूं, इकोनॉमिक्स फेमसली आर्ट ऑफ चॉइस मेकिंग है। अगर आप जैसे बोलोगे अकाउंटेंसी के दो मुख्य शब्द डेबिट और क्रेडिट हैं, तो मैं यहां बोलूंगा चॉइस मेकिंग या मेकिंग द बेस्ट ऑफ लिमिटेड मींस, आउट ऑफ द लिमिटेड मींस, इकोनॉमिक्स की जान है। मतलब इस सेंटेंस के बेस पे पूरा सब्जेक्ट खड़ा होता है। और इसी को गालिब साहब ने भी बड़े शायराना अंदाज में कहा है। गालिब साहब तो वैसे तो शायरी करते थे, उनने कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन उनके उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं रिलेट करने जाता हूं, हमारे यहां समस्या क्या होती है, इकोनॉमिक्स इस शब्द को समझाने के लिए ज्यादा यूज होता है कि आपकी इच्छाएं असीमित होती हैं और साधन सीमित। यू हैव अनलिमिटेड डिजायर बट द मींस टू फुलफिल दोस डिजायर्स आर लिमिटेड। आज आपके करियर के इतने ऑप्शन है, लेकिन आपने सीए सिलेक्ट करा, आपने बोला मैं अपने आप को जीवन में 5 साल स्ट्रगल देना चाहता हूं, बिकॉज दीज 5 years आई विल नेवर गेट बैक इन माई लाइफ, सो आई वॉन्ट टू गिव अ बेस्ट शॉट टू इट। तो हमने सीए के सामने सीएस बीबीए क्लैट सब छोड़ के इसको पढ़ने का सोचा है, तो हमको लग रहा है कि मेरे को 5 साल बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सबसे ज्यादा और एक्साइटिंग होगा, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। हाँ या ना? तो मतलब मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा थे, लेकिन मैंने चॉइस एक की करी, क्योंकि मेरे पास लाइफ लिमिटेड है और चांसेस लिमिटेड है। सो आई वॉन्ट टू गिव अ बेस्ट शॉट, आई वॉन्ट टू गिव अ बेस्ट चांस टू इट। नमस्ते। हाँ या ना? कुछ बोलो तो सही, पता कैसे चलेगा, उनको लगेगा मैं खाली रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया? सुनाई में नहीं आया? हाँ, अब आवाज गई उधर, गुड। नाउ तो सर हमने सिलेक्ट करा, नाउ इट विल गिव मी द बेस्ट ऑप्शन इन माय लाइफ। ठीक है साहब, 4 साल आप 4.5 साल मेहनत करो, बिकम अ प्रोफेशनल, फिर वापस चॉइस आएगी, जॉब करूं, प्रैक्टिस करूं, विदेश जाके और पढ़ाई करूं, या घूमू फिरूं, काम करूं, पैसे कमाऊं, फिर जिसमें भी जाओगे वहां पे भी और चॉइसेस आएंगे। सो इट्स अबाउट चॉइस मेकिंग। शॉपिंग करने जाते हैं, चॉइस मेकिंग है। खाना खाने बैठते हैं, चॉइस मेकिंग है। किससे बात करनी है और किससे व्हाट्सएप पे हाँ बात करनी है, नहीं करनी, किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, किसका एक्सेप्ट करना है, ये भी चॉइस मेकिंग है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अबाउट चॉइस मेकिंग। सो दैट चॉइस मेकिंग थिंग कम्स एंड हेल्प्स अस इन आवर लाइफ। सर एग्जाम के पेपर में भी देखना पड़ता है कि कौन से नम क्वेश्चन पहले करूं कि 40 आ जाए, ये भी तो चॉइस मेकिंग है। फिर लग रहा खाली क्लास है भाई। हाँ या ना? हाँ, तो आप ऐसे बिल्कुल मूक दर्शक बन के नहीं बैठोगे, बोलता रहे हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस, करेक्ट। सो दोज मेकिंग चॉइसेस का नॉलेज आपके पास अच्छा रहेगा तो आप अच्छी चॉइसेस करोगे। आज आपको किसी ने ज्ञान दिया कि इतनी कठिन एग्जाम होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आपको भी लगा हाँ बस एग्जाम में दम है तो अपन भी क्या कम है, चलो ट्राई तो करें। आया ना? इसलिए आप यहां आए हो। ये नहीं सोचने का है होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, सब होएगा। चलिए, सो चॉइस मेकिंग। सर जब इन चॉइसेस को हम आगे लेके जाते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर चॉइसेस, फैमिली लेवल पर मम्मा पापा के सामने चॉइस रहती है कि आपको कौन से स्कूल में भेजें, आपके लिए क्या क्या खरीदें। कई बार वो अपने अरमानों को रोकते हैं आपके अरमान फुलफिल करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। सो व्हाट यू बिकम आफ्टर स्टडिंग इकोनॉमिक्स? सर आई बिकम बेटर एट मेकिंग चॉइसेस। मतलब अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल आई अचीव आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, आई विल बी मोर इन्फॉर्म्ड, मोर प्रिपेयर्ड अबाउट मेकिंग चॉइसेस।
so that my choice is better and giving me a good advantage over other things. आज मोबाइल खरीदने जाना है तो मम्मी पापा ने तुमसे ही पूछना चालू कर दिया, भैया तुम ही बता दो कौन सा लेना है. क्यों? उनको मालूम है तुम्हारा गैजेट नॉलेज अच्छा है उनसे. सो इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस थ्रू द राइट पर्सन. हेलो, यही चीज अपने को यहां पे सीखने को मिलती है. तो इकोनॉमिक्स के बारे में ये बात हो गई कि इट्स अबाउट चॉइस मेकिंग. ब्रांचेस दो होती है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो. पर माइक्रो एंड मैक्रो बोलते से ही कोई अजम्पशन पे नहीं आएगा कि माइक्रो 25 का और मैक्रो 25 का, ऐसा नहीं है. ये मैं बता दूं आपको, माइक्रो मैक्रो अलग अलग कॉन्सेप्ट है और वेटेज कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है. नाउ व्हेन वी स्टडी ऑल दिस, तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के देश मिलेंगे आपको, अलग अलग देशों की इकोनॉमी मिलेगी आपको. यह इकोनॉमी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो अपडेट कराया, इकोनॉमी कोई लॉ नहीं है जो मैंने अडॉप्ट किया या संसद ने लिख दिया कि ऐसा ही होगा. इकोनॉमिक्स इंसानों से डील करेगा. आज यह घड़ी ऊपर जाके कहां जाएगी? नीचे ही आएगी ना, कि ऊपर तैरती रहेगी? ये मोबाइल मेरा है ना, आपको क्या लोड हो रहा है? ऊपर जाके किधर आएगा? क्यों नीचे क्यों आ रहा है सब है? ये बैटरी नीचे आ रही ना, ये माइक नीचे आ रहा है ना. वाई? किसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पक्का नीचे गिरने की स्पीड पता है क्या? हा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या बात है, चिवड़े में दम है भाई. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर हम कोई चीज नीचे गिरती तो हम कभी ये नहीं बैठ के सोचते क्यों गिरी, क्योंकि लॉजिक पता है. कमबख्त इकोनॉमिक्स के साथ ये समस्या है. टीचर आके बताता है ऐसा होता है. हाँ क्यों होता है? और जब उस क्यों का जवाब मिलने लग जाए तो एक्सेप्टेंस बढ़ती है. तो आप और मैं जब पढ़ाई करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, मैं सत्यनारायण कथा वाचन नहीं करने वाला हूं. हमारे देश में सत्यनारायण कथा कैसी रहती है? बचपन से एक जैसी सुनते आ रहे हैं, चेंज ही नहीं होता कुछ उसमें. सीजन 2 सीजन 3 वर्जन 2 वर्जन 3 कुछ होता ही नहीं उसमें. तो फिर बोलते बोले सत्यनारायण कथा ऐसा चलती रहती, बीच बीच में फिर हम लोग झपकी आती है. फिर पंडित जी खंडे इति श्री सत्यनारायण अध्याय का कथा का पहला अध्याय समाप्त. बोलो सत्यनारायण भगवान की. फिर आप फिर आपको लगता है बस प्रसाद 4 अध्याय दूर है. फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, वो पांचवी बार आया प्रसाद. बढ़िया प्रसाद, बहुत सही रहता, बहुत मजा आता वाला. महीने में एक बार खाने को मिलता आटे का चूरी वाला प्रसाद. लेकिन वो सत्यनारायण कथा के लॉजिक के वो पता नहीं, इसलिए अपन पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बैठ जाते जाके चुपचाप. आया ना, मोटिवेशन रहता है आखिरी में मिलने वाला प्रसाद. अब यहां पर प्रसाद आपका मोटिवेशन में ऐसा नहीं रहेगा, तो आप सत्यनारायण कथा की स्टाइल में मत बैठना क्लास में, आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी. मैं जब आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज ऐसे, तो आपको सवाल आता है क्यों, सो वील ट्राई टू डिस्कस दैट. क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बिल्डअप करना है मेरे को, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सेंस और टेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं, वहां सिर्फ गोले. सही जगह पे गोला लग गया +1 नहीं तो -1.25 कि -0.25 तो वो सही वाले आंसर का खींच ला, और खुद का जो 0 हुआ वो. पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक सही 4 गलत, तो आंसर 0 है. ऐसा होता ना, तो ध्यान रखने का अपने को. सो वी नीड टू बी केयरफुल. सर इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो दो ब्रांचेस रहती है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो को अगर मैं शब्द रूप से इंटरप्रेट करूं तो माइक्रो मींस छोटा छोटा, और मैक्रो मींस बड़ा बड़ा. यस और नो? तो आप सवाल उठता है, जब तक मैं वो छोटी छोटी बातों को समझूंगा नहीं तो मुझे वो बड़ी बात समझ में आने वाली नहीं है. तो मेरा लॉजिकल स्टार्ट पहले क्या रहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. और उसके बाद मैं धीरे से फिर जाता हूं मैक्रो पे. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब मैं कंपोनेंट्स को स्टडी करने जाऊंगा तो मेरे को एक दिमाग में डिसिप्लिन डाला जाएगा. तो माइक्रो और मैक्रो की विधिवत शुरुआत से पहले मैं आपसे बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका क्या है.
तो पहला तो हो गया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, पहली बात. क्यों? बिकॉज अवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड एंड अवर मीन्स टू फुलफिल दो डिजायर्स आर लिमिटेड. करेक्ट. इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऐसा माना जाता है राम सेतु है. करेक्ट. और वहां पे थोरियम का भंडार है. काय का? थोरियम. थोरियम इज द बेस केमिकल फॉर मेकिंग यूरेनियम एंड यूरेनियम इज यूज फॉर न्यूक्लियर पावर. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बात नरेंद्र मोदी के जमाने में हो रही है लेकिन मामला किसका है? मनमोहन सिंह जी का. उनके जमाने में जब ये बात आई, सन 2007-8 की बात बोल रहा हूं मैं आपसे, तो बोले साहब थोरियम का भंडार मिला, इसका क्या करना है? अब सवाल उठता है, नाउ हियर कम्स अ चॉइस. ऑप्शन वन, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, दुनिया को धमकाओ. ऑप्शन टू, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है, न्यूक्लियर पावर जनरेट करना है और पावर प्लांट लगा के लोगों को बिजली देनी है. अगर ईरान हो, ईरान और साउथ कोरिया नहीं नॉर्थ कोरिया हो, तो ये लोग बोलेंगे हम तो बनाएंगे बम और दुनिया को धमकाएंगे, क्योंकि वो यही कर रहे इतने सालों से. इंडिया में हमारा मनमोहन सिंह जी बोले जनता इतनी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना चाहिए कि मैं पावर प्लांट लगाने में इंटरेस्टेड हूं. रॉ मटेरियल का दो उपयोग, कौन सा उपयोग बेहतर है ये डिपेंड करता है चॉइस मेकिंग पे. साउथ नॉर्थ कोरिया क्या बोलता है? बॉम्ब बनाना है. इंडिया क्या बोलता है? चॉइस मेकिंग. करेक्ट. तो ये चॉइस मेकिंग सिर्फ आपके लेवल पे नहीं है, सब जगह है. तो ये चॉइस मेकिंग के सिस्टम को समझने के लिए मेरे को समझाना पड़ता माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. तो अब अपन पहले ये समझेंगे माइक्रो मैक्रो क्या है, आज माइक्रो मैक्रो को पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, दूसरी चीज, और उस लाइन पे एक लॉजिकल पॉइंट तक आते जाएंगे आज अपन की माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, किस मेथड से पढ़ी जाती है. मेरे ख्याल से अपना आज का एजेंडा ये रहेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई एम ट्राइंग टू स्टडी इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स. क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स. आई ट्राई टू कैप्चर देम, एक एक को सीखने की कोशिश करूंगा. एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं एग्रीगेट सबको जोड़ के चलूंगा. पर माइक्रो और मैक्रो के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो किसी के लिए माइक्रो वो किसी और के लिए मैक्रो, और जो किसी और के लिए माइक्रो है वो किसी और के लिए माइक्रो है. ऐसा हो सकता है मैंने खरीदी गाड़ी, मेरे लिए पहली गाड़ी है, तो मेरे लिए ये छोटी बात है या बड़ी बात है? मैंने जाके कार खरीदी, मैंने ली मारुति वैगन आर, मारुति वैगन आर ली तो मेरे लिए बड़ी बात. पर मारुति के लिए लाखों वैगन आर बिकते, तो मारुति के लिए ये, तो मेरे घर में गाड़ी आई, मम्मी ने वाइफ ने तिलक विलक लगाया, बच्चे बैठ के घूम रहे हैं, हमारे घर के लिए सेलिब्रेशन टाइम बड़ी बात. वर्सेस मारुति के लिए बोले इतने लाखों ग्राहक में कि अभी. करेक्ट. तो माइक्रो और मैक्रो का हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं होगा, वो तुम्हारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करेगा. अब समझना, हर 10 साल में हमारे देश में एक जनगणना होती है, इसको बोलते सेंसस. तो अभी लास्ट हुआ था 2011 में. अब सेंसस की जब बात करते हैं, तो मान लेते हैं आपका हाउस एक कॉलोनी में है, ठीक है? तो H1 से लेके हाउस 1 से लेके हाउस 100 मिलाकर हुई एक कॉलोनी. सारे हाउसेस में एक जनगणना गिनने वाले लोग आए. घर पे आए थे? नहीं आए थे. कितने बच्चे बोलते हैं हाँ सर वो जनगणना गिनने वाले हमारे घर पे तो आए थे, हमको जहां तक ध्यान है. हाथ खड़ा करो. अच्छा, हाथ खड़ा करो और हाथ खड़ा रखो और आसपास नजर घुमाओ क्लास में, और यह सबूत रखो अपने दिमाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है. नहीं तो अपन तो पैदा ही इसी बिलीफ के साथ हो ना, गवर्नमेंट तो कोई काम करती नहीं है. करते हैं वो लोग, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और वो बहुत अच्छे से करते हैं. 2000 मतलब ये जो जनगणना होती ना, क्योंकि 10 साल में एक बार करते ये लोग, तो वो एक बेस बनता है. नहीं नहीं, हर साल तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह सबको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है. तो बहुत सिंसियरिटी से जाते हैं हर घर में. अच्छा, घर में जाके सवाल कैसे पूछते हो? ऐसा कई बार ऐसा देखा क्या, वहां गए, उन्हें बोला हम जनगणना से आए हैं, बोले आइए अंदर, बोले एक मिनट अंदर आए, एक दो तीन चार बाय बाय, गिन लिए. छिपा जाए थप्पी भागो.
एक चुटकुला भी चला था बीच में इस पे, बोले क्यों तुम्हारा जनगणना वाले आया क्या? बोले हम 20 भाई बहन है, उनको लगा कोचिंग चल रही है ऐसी चलेगा बाहर से। तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो आते हैं वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जल्दी फटाफट बताओ सवाल कौन कौन से। वो हमें क्या मालूम सर, हाथ एक मिनट हाथ हाथ खड़ा करके वन बाय वन, घर में कितने लोग हैं, ठीक है, और मेल फीमेल बाइफरकेशन, ओके, क्या करते हैं, मतलब बच्चे बड़े कितने, हाँ एज वगैरह, घर में गाड़ियां हैं तो कितनी है, कौन सी टू व्हीलर फोर व्हीलर, इनकम पूछते हैं तो बताना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं लगा पाते वो लोग पता, और उनको मना है, और वो अलाउड भी नहीं, वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, और वो आपसे इनकम रेंज में पूछते हैं, 0 से 10 लाख, 10 से 20, ऐसा वो स्पेसिफाई नहीं करते। हमेशा याद रखना जीवन में तीन काम कभी नहीं करने अपने को, लोगों से उनकी कमाई नहीं पूछना, लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछना, और सीएसीएस करने वालों से उनके अटेम्प्ट नहीं पूछना। बहुत बहुत डिस्टर्बिंग होती है ये बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो वो आके पूछते हैं, पता है वो उनके सवाल कैसे, जैसे आपके घर में फ्रिज है कि नहीं, माइक्रोवेव है कि नहीं, किराए के घर में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, उसके बाद पढ़े लिखे हैं बच्चे, कौन से स्कूल में, कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज क्या है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड तो नहीं है आपके यहाँ पे, किसी को कोई बहुत क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, उसके अलावा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट्स है नहीं है, ये सब डिटेल वो लेके जाते हैं, क्योंकि ये डिटेल्स वो हर घर से कलेक्ट करते हैं। अब समझना यहां से, सो H1 से H100 तक ये सारी डिटेल कलेक्ट करते हैं, तो ये डिटेल इकट्ठी हो जाती है कॉलोनी की, कॉलोनी से वो बनती है, सारी कॉलोनी जोड़ोगे तो सिटी, सिटी से जोड़ोगे तो बनेगा स्टेट, और स्टेट से जोड़ोगे तो बनेगा नेशन, और सिटी डिस्ट्रिक्ट एक ही बात है, मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा सिविक्स मत लेके पढ़वाओ मेरे से आप, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना है मेरे को, तो वो नेशन तक आ जाते हैं, मतलब ऐसे गांव में भी होगा ना, गांव में भी सारे घर होंगे तो सिटी के साथ साथ विलेज ले लो, चलो अब डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका सब जोड़ लो आप उसमें, ठीक है। सवाल उठाइए सब जुड़ के कहां गया, नेशनल लेवल पर, करेक्ट। मैंने करा क्या इसमें, मैंने करा इंडिविजुअल यूनिट से जाके जानकारी हासिल करने का काम, यस और नो। सो आई वेंट फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, मैं धीरे धीरे सब जोड़ता जा रहा हूं ना, मैंने सारे तथ्यों को इकट्ठा किया है या तथ्य हटाए हैं? हाँ सर, इकट्ठा किया है, आई हैव इंक्लूडेड थिंग्स या आई हैव डिडक्टेड थिंग्स, आई हैव इंक्लूडेड थिंग्स, सो आई हैव गॉन टू द इंडक्टिव मेथड, क्या बोला मैंने, आई हैव गॉन टू द इंडक्टिव मेथड, मैं सबको इंक्लूड करता चला हूं, करेक्ट, इंडक्टिव इंक्लूड। यही तरीका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली, इट्स अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल सेक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ इट टुगेदर, एंड देन यू ट्राई टू डेवलप एंड गैदर फैक्ट्स टुगेदर, तो ये हो जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसमें मैं एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को साथ में लेकर चलता हूं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देश में सारी गिनती हो गई, सब चला हो गया, ऊपर जाते आते नेशन में पता चला, अब नेशन में काउंट होती तो सबसे पहला फिगर निकल जाता है, हमारे देश में हम 121 करोड़ हैं, अभी 125 हो गए, हर 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं इस देश में, हर 3 सेकंड में 2, जब तक आप हजरों दोहरा गए। दिल्ली में आप जाएंगे ना, तो दिल्ली में एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और वहां जाते हो तो बहुत शानदार एक ऐसा फ्लाईओवर राउंड अबाउट है, वहां पर एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है, वो पॉपुलेशन काउंट दिखा रहा है देश की, 24 आवर वो क्लॉक चलता रहता है एलईडी वाला, बिल्कुल आप रास्ता पार कर तो दोहर बढ़ जाते हैं। तो ये पोजीशन है हमारे देश की, अभी इस स्पीड से हमारे रिसोर्स कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं इस देश में,
तो सर रिसोर्स बनाने भी तो पड़ेंगे उतने. यस, तो जब आप नेशन पे पहुंचते हो तो आपको पता चलता है देश की पॉपुलेशन इतनी, फिर डेटा निकलता है मेल इतने फीमेल इतने, बच्चे इतने बड़े इतने बूढ़े इतने, इतने पढ़े लिखे इतने, बैंक अकाउंट इतनी, गाड़ियां इतना, कुछ सब पता रहता है. तो फिर अगले साल की प्लानिंग और अगले पांच साल की प्लानिंग होती है उस हिसाब से. इफ यू वॉन्ट टू प्लान यू वॉन्ट फैक्ट्स, अनलेस यू डोंट गेट फैक्ट्स यू कांट प्लान. सो आई हैव टू कलेक्ट द फैक्ट्स वेरी प्रॉपरली. ध्यान रखना ये कलेक्शन का जो तरीका था ना, हर घर में सवाल अलग अलग पूछेगा या एक जैसे? रिमेंबर दिस, अगर मैं हर जगह से अलग अलग सवाल पूछ के आऊंगा तो मैं उनको इकट्ठा करके कंबाइन कर ही नहीं सकता. नहीं आया समझ में? मतलब मेरे को गांव में भी वही सवाल पूछना है, शहर में भी वही सवाल पूछना है, मतलब मैंने एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना. सो व्हेन आई एम आस्किंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस एवरीवेयर, सो दिस मेथड इज डिफाइंड, दिस मेथड इज ऑर्गेनाइज्ड. सो एनीथिंग डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे बिकम्स अ साइंटिफिक वे. देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. यस सर. वाई? बिकॉज आई एम कलेक्टिंग द डेटा, आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी विलेज हाउस इन एन ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्मेटेड वे. यस और नो? आज आप जो प्लस माइनस करते हो, आप जो डिविजन मल्टीप्लीकेशन लगाते हो, पूरा देश पूरा वर्ल्ड वही करता, तो स्टैंडर्ड है ना एक. तो ये चीज मेन बात होती है यहां पर. अब आप उसको जब सेकंड लेवल पर लाते हो तब देश में पता चला. अब देश में दो तीन बातें पता चली. नंबर वन, मोदी जी ने जब डिटेल्स देखी पुरानी वाली निकाल के, तो मोदी जी ने दो चार बातें देखी. बोले यार देश में ना हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और हमारे देश में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा इशू है. मई में उस आदमी ने पदभार संभाला, जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर जब उस व्यक्ति ने पहला भाषण दिया जनता को संबोधित करते हुए, ऐसे तो हर महीने मन की बात कर रहे हो. मतलब डू यू लाइक दैट व्हेन पीएम स्पीक्स टू ऑल ऑफ अस लाइक दिस वे? आई पर्सनली लाइक इट. मेरे को लगता है एटलीस्ट वो बता तो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं. पहले वाला तो बेचारे बोलते ही नहीं थे. एक बात समझा दूं मैं ना, मनमोहन सिंह जी के नाम पे अपन भले हंस लें पर एज एन इंडिविजुअल उससे बेहतरीन आदमी कोई नहीं है. ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, संगति गलत थी बस. आप गूगल सर्च मारना मनमोहन सिंह जी, गूगल सर्च पे आपको सर्च में 10 पेज तक बायोडाटा मिलेगा उनका. जिस आदमी के नाम से कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप चलती हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप चलती है कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, और वो उससे पहले आईएएस ऑफिसर थे, सिस्टम की पूरी समझ थी उनको. तो देखो क्या होता है, जब मीडिया जब हल्ला मचाता है ना, तो हम सबने बोल दिया वो प्रधानमंत्री कुछ बोलता ही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये जो भी है. मेरा ये कहना है एज एन इंडिविजुअल यू आर द ग्रेट पर्सन टिल द टाइम यू वॉज देयर. आप मानोगे नहीं, बहुत सारी चीजें उन्हीं का बेनिफिट मिल रहा है अपने को. वो आदमी अकेला सरकार में खड़ा हो गया था, बोला सरकार गिरे तो गिरे, ये न्यूक्लियर संधि में साइन करूंगा, 25 साल बाद मेरे देश को पावर इतना चाहिए, ये मैं मानता हूं इस बात को, और वो अकेला आगे बढ़ा था. सब जने बोलते रह गए, बोले जितनी ताकत मनमोहन सिंह जी ने 2008-09 में दिखाई थी कि मेरे को ये रूल पास करना है, इसके लिए संसद भले लड़ जाए तो लड़ जाए, वैसी ताकत उन्होंने बाद में क्यों नहीं दिखाई? ऐसा सब जने सवाल भी पूछते उनसे. बट पॉइंट इज कमिंग बैक नाउ, आई एम कमिंग टू द प्रेजेंट नाउ. इनको पता चला देश में हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है. अब बैठ के मोदी जी क्या कर सकते हैं वहां से? कुछ कर सकते हैं नहीं. तो फिर क्या होगा सर? बैठ के मोदी जी क्या कर सकते? तो मोदी जी ये कर सकते हैं कि मोदी जी ने बोला यार मेरे को है ना देश के अंदर साफ सफाई, देश के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा. तो बोले यार आजकल सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता जब तक खुद करके ना दिखाओ. तो बोले पहले तो मैं साफ सफाई करूंगा. तो बैंगलोर में एक सम्मेलन किया, बैंगलोर में जाके खुद झाड़ू लगाई उनने. फिर उनने उठाया फेसबुक हाथ में, फेसबुक पे 9 लोगों को नॉमिनेट कर दिया और बोला अब आप अपने अगले 9 को करो. ये बेसिकली आइस बकेट चैलेंज टाइप की चीज थी. जो जो बच्चे फेसबुक पे एक्टिव है ना उनको मालूम है आइस बकेट चैलेंज क्या है. एक दूसरे को बोलता था, लोगों ने पूरी दुनिया भर में अपने ऊपर बर्फ की एक बाल्टी डाली है. ऐसा आप मत करना घर जाके, कल ठंड लग जाएगी. तो वो वैसा उन्हें नॉमिनेट किया. फिर उन्हें खड़े होकर लाल किले से बोला, बोले आप लोग प्लीज गांव में टॉयलेट्स बनवाइए.
शहरों में टॉयलेट्स बनवाइए, और वाकई में आपको मैं बताऊं, एक ह्यूमन बॉडी के लिए वेस्ट जनरेट करना बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, बट वाकई में यह देश 65 साल बाद उस चीज से भी जूझ रहा है। कड़वा और सच्चा बात तो है ये। उनका बहुत सिंपल फंडा था, बोले आप जब वेस्ट जनरेट करते हो ओपन में, तो वो वेस्ट के ऊपर माइक्रोब्स रहते हैं और उससे वो डिजीज, वो मक्खियां मक्खियों डिजीज फैलाते हैं, और वो स्पेशली कंसर्न्ड थे फॉर द फीमेल जॉनर इन रूरल एरियाज। गांव में मकान बन तो बगैर शौचालय गया। देश को आज विद्या बालन की जरूरत पड़ रही है बोलने के लिए कि शौचालय बनवाओ, नहीं, द रीजन इज बायोलॉजिकली इफ यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ देर इज अ ट्रबल, यू डेवलप डिजीजेस। और उसका इकोनॉमिक्स में क्या कनेक्शन है सर, बीमार शरीर पे जो मेडिकेशन का खर्चा है, और गरीब आदमी का बीमार शरीर सरकार के मेडिकल अस्पताल और सरकारी अस्पताल का बोझा है। सरकार बोलती है जितना मेडिकल पे खर्च कर रहे उतना शिक्षा पे और खाना पीना खिलाने पे खर्च करे तो ज्यादा अच्छा है। बच्चों को खाने को नहीं मिलता इस देश में यार, आप और मैं चॉइस पे खाना खाते रोज, इस देश के बच्चे खाना खाए बगैर सो जाते। तो उनको बोला, बोले गरीबों के बच्चे बेचारे स्कूल ही नहीं आते, बोले स्कूल आके करेंगे क्या, खाने को ही नहीं, बोले स्कूल में हम खाना खिलाएंगे, भेजो तो सही। तो आज भी अनेकों स्कूल ऐसे हैं इस गांव में, देश में, गांव में, जहां पे 12 बजे खाना मिलता है, 11 बजे अटेंडेंस जीरो, 11:30 जीरो, 12:15 फुल, 12:15 तक लंच चला, 12:30 तक, 1 बजे अटेंडेंस जीरो, स्कूल ना हुआ भोजनालय हो गया ये तो। तब आपका व्यू चाहिए मेरे को, क्या करें, बंद कर दें और क्या सर, भोजनालय थोड़े ना खोल रखे हैं, ऐसा हमको लग सकता है ना, प्राइमा व्यू क्या आता है हमारा दिमाग में, प्राइमा फेसी, हाँ बंद करो क्या, भोजनालय थोड़ी ना, स्कूल है। तो मेरा यह कहना है 100 बच्चे आ रहे ना, और अगर ये 100 यहां नहीं आएंगे तो माँ बाप वैसे ही गरीब है, खिला नहीं पा रहे, ये बीमार होंगे, तो ये 100 के लिए अस्पताल में जगह है क्या? नहीं है ना। और अस्पताल में दवाई किसको देनी है? गवर्नमेंट को। स्लाइन कौन चढ़ाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इतना खर्चा करने के बजाय ढंग का खाना खिलाए ना, ये इकोनॉमिक्स व्यू है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला व्यू नहीं है। ऐसी आती है इकोनॉमिक्स सोचने में, बिल्कुल, यू हैव टू थिंक दैट वे, देन इकोनॉमिक्स गेट्स इनटू योर माइंड, या मैं इसको कुछ यूज कर सकता हूं। तो साहब दिल्ली में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? सोचा है कि टॉयलेट्स बनवाए, तो सोचने से काम हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? तो दिल्ली में टॉयलेट बनाओ, एक्सपोर्ट कर दो सारी स्टेट्स को, तो वे बोलेंगे मोदी जी, आडवाणी जी, चलो आ जाओ, सीमेंट, रेती, सरिया, गिट्टी लेके टॉयलेट बना था अपन, छपा छप छपा छप, चलो साहब भेजो एक एक करके। पॉसिबल है क्या? कैसे होगा? हाँ हाँ, फंड्स की कुछ बात आई, कहाँ है, कहाँ है, हाथ खड़ा करो। यस सर, क्या करना है, किसको करें अलॉट? स्टेट को, मतलब नेशन से मामला फिर नीचे गया, स्टेट। स्टेट किसको देगा? सिटी को देगा। सिटी क्या करेगी? सिटी पूरा, सिटी और विलेज क्या करेंगे? प्लान करेंगे। प्लान करके क्या करेंगे? एरियाज मार्क करेंगे, कहां पे टॉयलेट्स बनाने, यस और नो, तो कॉलोनी वाइज पहुंचेंगे। ध्यान से देखो, जो चीज यहां से चली थी वहां से वापस आ रही है नीचे, लेकिन इस बार हमने छोटी छोटी चीजों से बड़ी पे पहुंचे हैं, बड़ी से छोटी पे, तो हम लोग इस बार पर्टिकुलर टू जनरल गए हैं, आप जनरल टू पर्टिकुलर, हाँ, जनरल टू पर्टिकुलर। मैंने एक एक तथ्य जोड़ा है, बड़े तथ्य से छोटे पे आया, फ्रॉम बिगर थॉट यू हैव कम डाउन टू स्मॉलर थॉट, सो नाउ आई हैव गॉन फ्रॉम इंडक्टिव की जगह आई हैव गॉन टू डिडक्टिव। मैं चीजों को जोड़ नहीं रहा हूं, बड़ी चीज से अब छोटी चीज पे आ रहा हूं, डिडक्टिव, हेलो। और जब मैं ये सब करता हूं तो ये मेरी मैक्रो की अप्रोच है। आया? कहां आया? यहां आया, गया, क्लियर, यहां ऑल क्लियर, कौन सा क्लियर करके बताओ, क्लियर,
पक्का एक दो दे से क्लियर अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मतलब जनरली मतलब शुडंट बी आस्क बट मैं सर इस तरीके से स्कूलों में क्यों नहीं शुरू करते? कई बार ऐसा भी सवाल आता है, कुछ स्कूलों के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, बच्चों को एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं, बट माय क्वेश्चन इज इट रिमेन्स एक्साइटिंग टिल द एंड बिकॉज यू आर गेटिंग लॉजिक्स। अब मैं यहां पे पहले ये नहीं बोल सकता आओ बच्चों श्री श्री 1008 बाबा एडम स्मिथ ने ऐसा कहा था, अरे जो कहा था यार, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो पढ़ो तो सही। ऐसे मोदी जी ने बहुत परफेक्ट काम किया इसमें। अब आप भले बोलो कि मोदी जी ने तो अभी तक कुछ नहीं किया, अच्छे दिन बोले जा रहे हैं। अब अच्छे दिन में ऐसा तो होगा नहीं कि अप्सराएं नृत्य करती हुई आए तुम्हारे सामने, नहीं अच्छे दिन क्या करें, मतलब कटरीना आया रोज सुबह आपके सामने लहर स्लाइस लो पियो, क्या करेगा? रणबीर कपूर आया आपको पेप्सी हाथ में दे, क्या करे क्या वो अच्छे दिन के लिए? थिंग्स नीड टू बी बेटर, बट दैट डज नॉट मीन कि कार्निवल चलेगा 365 दिन का। अब जब ये सारी मेहनत होती है तो उनने बाकायदा बोला, बोले आप फंड्स दो और फंड्स के बाद उन फंड्स को मॉनिटर करो, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी, कोशिश चल रही है। 65 साल में सब बिगाड़ा है, 65 हफ्ते तो दो बेचारे को, और मैं बोलता हूं 65 महीने भी कम पड़ने वाले हैं इसको, ये बात बता देता हूं मैं अभी से, जहां तक मेरी अकल कहती है 65 मंथ्स वो कम पड़ेंगे उनको। ही नीड्स अनदर टर्म, ही नीड्स एटलीस्ट 10 ईयर्स टू चेंज दिस कंट्री, नहीं होने वाला इतनी जल्दी, बट अपन सबका पेशेंस नहीं ना आजकल। टीनेजर की प्रार्थना, ओ गॉड प्लीज गिव मी पेशेंस बट प्लीज गिव इट फास्ट। द गुड न्यूज इज आपके तीन टॉपिक हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स टुगेदर, मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स वन बाय वन अ सेक्शन, एंड इन मैक्रो यू स्टडी एग्रीगेट यूनिट्स टुगेदर। इन माइक्रो यू यूज द अप्रोच फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव अप्रोच, एंड इन मैक्रो जनरल टू पर्टिकुलर। When you are able to, आप ध्यान से सुनना, एक और पॉइंट यहां से क्लियर कर रहा हूं, when you are able to collect the facts one by one, this is done through an organized way, so it is a scientific way. But मेरा सवाल यहां से बदलेगा, देश में स्वास्थ्य के मैटर को हैंडल करने के लिए बुक में कोई सोल्यूशन है क्या? कि टॉयलेट बनवाओ। इससे पहले एक सोल्यूशन और था, मतलब 2011 के सेंसस में एक चीज और निकली थी, वो ये थी कि बच्चे कुपोषण का शिकार है। हमारे यहां आउट ऑफ एवरी 3 वन चाइल्ड इज नॉट हैविंग इनफ फूड, मालनरिज दे। अभी आप उस बच्चे को मालनरिज मानते हो, वीक मानते हो, 20 साल बाद देश कमजोर होगा। इफ यू आर हैविंग अंडर नरिश्ड मालनरिश्ड वीक चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 4, आफ्टर 20 इयर्स अ 24 ईयर पर्सन विल नॉट स्पेंड टाइम इन ऑफिस बट विल बी इन हॉस्पिटल। तब आप उसको क्या करो? अब आपको पता है सारे सरकारी स्कूलों में आयरन की एक गोली खिलाना कंपलसरी किया है, तो स्कूल को बना लिया पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, उनने खाना भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी देंगे। अब वहां पे स्कूल के क्लास टीचर को अटेंडेंस रजिस्टर में एक जगह टिक मारना कि आयरन की गोली खिलाई कि नहीं खिलाई, मतलब टीचर के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। पर वो क्यों जरूरी है? नहीं तो आयरन नहीं दोगे तो वो बेचारे को परेशानी होगी फिर। अब मेरा यह कहना है, ये जो सोच थी कि स्कूल के टीचर को बोलो आयरन की गोली खिलाए, टॉयलेट्स बनवाओ, या जो भी कुछ ऐसा है, क्या ये कहीं बुक में डिफाइंड है या ये डिफरेंट टाइप की सोच होती है? सो नाउ यू व्हेन यू कम विद दीज क्रिएटिव आइडियाज, दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट डज दैट मीन? इज इट अ साइंस और एन आर्ट? सो हियर इज द अनदर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट? बोथ। व्हाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम इट्स अ साइंस, एंड वाइल फाइंडिंग अ सोल्यूशन इट्स एन आर्ट। वेरी गुड। सो साइंस वाइल स्टडिंग अ प्रॉब्लम
एंड आर्ट व्हाइल फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, करेक्ट। अब छोटा सा एक ट्रायल, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं यहां पे। अब आप मेरे को बताना कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो माइक्रो है या मैक्रो है, ठीक है। सो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई, कोई कुछ नोटिंग ना करे, मैं छोटी सी एक एक्सरसाइज कराने का, आपको 2-3 मिनट दूंगा तब आप नोट करना। अभी कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्ट मत करो, दो जगह समझ लो फिर नोट करना, ठीक है। एक मिनट, भारत सरकार ने इनकम टैक्स की रेट बढ़ाई, ये माइक्रो है या मैक्रो है? एक मिनट, इधर कि इधर? कितने बार चलते हैं इधर? यार हाथ पूरा खड़े करो, तुम्हारे आधे हाथ हैं क्या? तो बच्चे यू कर दे, अरे सिगरे। हाँ, कितने बच्चे बोलते नहीं ये माइक्रो है? प्लीज हैव योर व्यूज, गलत है मैं सुधारने को तैयार हूं। हाँ, रीजन दो। कंपनी को भी लगता है, बैंक को भी लगता है, सबको लगता है इनकम टैक्स, तो जो जो पैसे कमाता है। बट व्हाट माय इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, मैंने ऐसा बोला क्या मुकेश अंबानी के ऊपर मैंने इनकम टैक्स 40% बढ़ाया? मैंने क्या बोला इनकम टैक्स रेट मतलब एक जना देगा या सब? तो ये सब हो गए मतलब कौन हो गया फिर, ये माइक्रो या मैक्रो, इंडिविजुअल हुआ या जनरल हुआ? क्लियर? पीछे वाले दो दोस्तों को क्लियर? पक्का? एनीबडी एल्स हैज अ व्यू? सर ये माइक्रो है, मेरे पास लॉजिक है, बोलो बेटा। एक मिनट, अब मेरा सवाल है, मेरे क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐसा बोला क्या? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, भारत सरकार ने इनकम टैक्स की रेट बढ़ाई, तो ये भारतवासियों के लिए क्या है? मैक्रो। भारत सरकार के लिए क्या है? बात खत्म। एक चीज अपने को सुधारनी रहेगी और ध्यान रखना रहेगा, हम अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन बदल नहीं सकते। और नहीं, डोंट टेक इट पर्सनली, बट ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यही सबसे बड़ा ट्रबल है। व्हेन यू गो फॉर योर आंसर ना, थ्योरेटिकल आंसर लिखने का स्कोप है, तो अपन घुमा सकते हैं एग्जामिनर को, वो वैसी वाली बात है, निबंध याद करके गए गायब है और आ गया पेड़ पे। तो पेड़ बहुत सारे होते हैं, पेड़ हमें हरियाली देते हैं, हरियाली से जो छांव होती है उसके नीचे गाय बैठती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमको दूध देती है। आप मुस्कुरा लो, पर अपन इंटरनली सब जानते कि अपन ने कई बार आंसरों में से घुमाया है अपने टीचर्स को। कितने बार स्टेटमेंट कहा सर बहुत पहला आपने, ये देखो। यही चक्कर, वो पता है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से यही छांटते हैं वो लोग, मतलब जब आपकी चेकिंग करते हैं ना वो लोग, तो क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं कि उसमें फंसे बच्चा, कि उसको रियलाइज होए कि क्या कहां गलती होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इंटरेक्शन जरूरी इसलिए, प्लीज डोंट, मतलब मैं बोलूंगा अभी भी बच्चों को अपना व्यू रखने का, भले 3 लोगों का व्यू था ना माइक्रो, प्लीज हैव दैट क्लैरिटी आती है दोस्त दिमाग में, आप इसलिए इतने ग्रुप में पढ़ने आते हो यहां पे, करेक्ट। चलो और करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हड़ताल कर दी, इधर की इधर? इधर। क्यों सर? वो एक कंपनी है, एक बैंक है सर, उसका पूरा देश नहीं चलता। पक्का? अच्छा चलो, एक कंपनी के वर्कर ने एक नया तरीका ढूंढा जिससे उनका यूनिट सस्ता बन रहा है, मतलब प्रोडक्शन सस्ता हो गया, माइक्रो। ओके, देश भर में इतने बोलने में आंसर आ जाना चाहिए था। देश भर में मतलब मैं एक की बात कर रहा हूं या सबकी? तो आपको टेस्ट क्या करना है, ढूंढना क्या है, सबसे पहले इसका इंपैक्ट एक पर है या ज्यादा पर है। पक्का?
अच्छा मजेदार बात क्या पता है, देखो मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर आज आपको मेरे को एक एसएमएस आया अभी कि आज दिन को 3 बजे मॉल में एक ऑफर है, लूट सके तो लूट, 3 बजे से 3 बजे तक 10 के बीच में, 3:10 के बीच में जो एंटर हो जाएगा 10 मिनट में, उसे अंदर मॉल में आधा घंटा घूमने दिया जाएगा, एक ट्रॉली दी जाएगी, हर आइटम 100 रुपए में मिलेगा उसको। सर आज क्लास छोड़ दो, सर जाना है सर आज। अब उस 10 मिनट में आप दौड़ लगाओगे, कितने बच्चे जाएंगे मॉल बताओ? तो कितने अच्छे बच्चे, कोई जा ही नहीं रहा। मैं तो जाऊंगा भाई, बाकी सब जाएंगे। अब इसका मतलब क्यों जा रहे हैं हम वहां पे? क्योंकि हमें चीज सस्ती मिल रही है। आप सस्ते पे ज्यादा खरीदते हो बेटा? आप नहीं लेते तो क्या होगा? एक्सेप्शन भी तो होते हैं। सस्ते में ज्यादा, कौन कौन बोलता है मैं सस्ते पर ज्यादा लूंगा? करेक्ट, पर एक दो होंगे सस्ता मतलब चीप, गंदा, चीप, मैं नहीं लूंगा, ऐसे भी रहते ना। आप सब लोगों का नेचर देख के मैंने एक लॉ बना दिया, मैंने कहा सस्ता होने पर ज्यादा बिकता है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, आया ना? तो कैसे चला मैं? एक एक करके सारे बच्चों से पूछा, सबको जोड़ के एक रूल बनाया, एक रूल हो गया। अब उस रूल के बेसिस पे बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। तो अब मैं माइक्रो और मैक्रो में जब पढ़ने पढ़ाने जाता हूं तो मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी रहना चाहिए। तो मैं जब आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम आते हैं उसमें, मैं आपको प्रोडक्शन और कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ये सब मैं एक इंडिविजुअल एंटिटी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सप्लायर की बात करूंगा, तो मैं उस समय पूरे देश की बात कर रहा हूं या इंडिविजुअल यूनिट की? तो वो किधर आएगा भाई? माइक्रो में। पर मैं बोलता हूं मैं देश की नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं, देश की पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, देश का इन्फ्लेशन और बजट की बात कर रहा हूं। इस तरीके से हमारा स्टडी टेप पैटर्न रहता है। 2, 4, 5, 2, 4, 8, 10 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए। नंबर 1 माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट यूनिट्स। द मेथड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इज इंडक्टिव। उल्टा भी बोल देते हैं, इंडक्टिव मीन्स वॉट, पर्टिकुलर टू जनरल, उल्टा नीचे ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बनाते हैं, बोलो। डिडक्टिव मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर, बोलो साहब, क्लियर? ये सब कुछ करने के बाद आपको मेरे को सीखने को मिलता है वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। सो इट्स अ साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम, इट्स एन आर्ट वाइल फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यस और नो? अब जैसे अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन निकलते ना, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, तो उन्होंने कहा था गांव वाले लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको काम देना है हमको, तो बोले इनको इन्हीं के गांव में बैठे रहने दो और इनको वहीं पे काम करने दो, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनसे हम्माली करवाओ, तालाब गहरे करवाओ, रोड बनवाओ, कुएं खुदवाओ, अनस्किल्ड अनक्वालिफाइड वर्कर्स, तो इनसे काम करवाया। काम करवाने के लिए योजना बनाई, नरेगा, महात्मा, अब वो MGNREGA है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 दिनों का रोजगार। अब ये 100 दिनों के रोजगार का कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं पे भी नहीं था, अपने ही आया। तो ये आर्ट है या साइंस है? करेक्ट, तो साइंस एज वेल एज आर्ट, क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? क्योंकि अब मैं जो इसके आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा, कई बार बच्चों को लगता है ये इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल डिसकनेक्टेड टॉपिक है जो मैं बोल रहा हूं। अब एक और छोटी सी बात है वो सिखा देता हूं मैं आपको। इकोनॉमिक्स को बोलते हैं साइंस तो है, साइंस दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। सर पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस बोले तो क्या? सर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का बेसिक लॉजिक ये रहता है, इसको सिंपल मतलब डरावने, फिर मैं डरावने तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी बातें ना बच्चों को डरा धमका के ना प्रैक्टिकल लॉजिक दे दो आप। अब आप जैसे बोलते हो पढ़ना चालू किए हो, सुबह सुबह बिल्कुल जोश है, अभी होश तो 3 दिन बाद आएगा, अभी तो रोज सुबह एक्साइटमेंट, चलो चलो ट्यूशन जाना पढ़ने जाना। आप जैसे 3-4 दिन बाद किसी ने किसी दिन कुछ ढंग से खाया नहीं, जैसे मैं कहता हूँ नाश्ता किया नहीं, और चौथे दिन बीमार पड़ गए, अब गए डॉक्टर के पास,
डॉक्टर के पास गई, ये ब्लैक झोला टांग के देना जा रहा, दे दो वापस दे दूंगा मैं आपको। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब क्या हो गया? न दिन को चैन है न रात को करार है। अगली लाइन ये नहीं है कि क्या मुझे प्यार है, प्लीज। डॉक्टर साहब न दिन को चैन है न रात को करार है, प्लीज चेक कीजिए क्या मुझे बुखार है। डॉक्टर आपको देखने के बाद ये देखता है, वो फिर बोलता अच्छा बैठो, तो आप बैठाते हो, इतनी सारी मॉड्यूल वॉड्यूल है ना सब साथ में, बैठता, क्या कर रहे हो? सर सीए पढ़ रहा हूं। अच्छा, कुछ नहीं है, इनहाटा अकेडमी में सीएसीएस पढ़ने का खुमार है। अब ये हो गया, आपने बोला ठीक है सर, पर क्या करूं मैं? बोले मेरी फीस दे दो बस तुम, अब 300 रुपया। तो आप बोल, तो बड़ा अजीब डॉक्टर है ये, बेटा आपका बैग देख लेना सारी किताबें हैं कि नहीं। तो आप बोलते, ये क्या चक्कर है, ये डॉक्टर सही था या थोड़ा सा अजीब था? पूछ रहा हूं मैं आपसे, सही था? हाँ, मतलब जो ऐसा बोल रहा है वो अजीब है, बताओ सही था अजीब था? अजीब क्यों था? अरे बीमारी तो बताई भाई, दवा तो दे, हाँ या ना? उसने आपको बता दिया, खैर जोक सपाट। अब वापस आते, सर वाकई में गर्मी लग गई, ऐसा बोले सब आपको हीट स्ट्रोक हो गया, लू लग गई है, मैं दवाई ववाई देता हूं, थोड़े दिन ध्यान रखना, ठीक हो जाओगे। ये वाला डॉक्टर कैसा था, सेकंड वाला? अच्छा अच्छा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने आपको सॉल्यूशन दिया, पहले वाले ने सिर्फ प्रॉब्लम बताई। करेक्ट, इकोनॉमिक्स भी दो तरीके से पढ़ी जाती है, जब सिर्फ कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बता दे और उसका क्या करना है ये ना बताए, मतलब जो फैक्ट्स बता दे, फैक्ट्स के आगे कुछ न दे, वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो फैक्ट्स बताने के साथ साथ आपको रीजन बताए, ऐसा इसलिए हुआ और इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, मतलब आपको ये बोलेगा व्हाट इज देयर और ये बोलेगा व्हाट शुड बी देयर, क्या है वर्सेस क्या होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट विथ अ सॉल्यूशन। मैं यूं कहूं, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी या ऑट टू बी, हेलो, सो इट इज नॉट पासिंग अ जजमेंट, इट इज गिविंग जस्ट फैक्ट्स, और ये वाला पासिंग अ जजमेंट एंड गिविंग, नॉट ओनली गिविंग फैक्ट्स। इकोनॉमिक्स दो तरीके से पढ़ी जाती है, आपने नाम सुना होगा हमारे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन का, नोबेल प्राइज विनर ऑन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया। सो वो पॉजिटिव साइंस पे बात करते हैं, मतलब वो परेशानी बता देते हैं, लेकिन उस परेशानी को सॉल्व कैसे करें, कई बार वो सॉल्यूशंस वहां से नहीं आ पाते। तो दो ब्रांचेस में चलती इकोनॉमिक्स। बोलो साहब, क्लियर, समझ में आया? आपके टॉपिक के कम से कम मैंने फर्स्ट पेज, मेरे वीडियो वाले जब देखेंगे तो नोट्स हाथ में होंगे, कम से कम 4-5 पेज पढ़ा दिए मैंने आपको। बाकी मैं क्या कार्टून बना रखे थे क्या? ना, सब था, बट इसी प्रकार से फैक्ट्स थे सारे के सारे। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव नॉर्मेटिव, इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो, इंडक्टिव डिडक्टिव, पका था एक डिफरेंस का कॉलम बना हुआ, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब चीजें साथ में दी हुई हैं। तो यहां तक आ जाते हैं हम लोग। अब इसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत में महान लोगों की डेफिनेशंस हैं। एडम स्मिथ ने यह कहा, सैम्युअलसन ने यह कहा, पीगू ने यह कहा। मेरा यह कहना है कि ये जो भी कहते हैं इनने जीवन के एंड में कहा है। 70-80 साल की उम्र में आदमी जाके जब बोलता है मेरे विचार से ऐसा है, बहुत अच्छा विचार है सर, पर ट्रबल एक है,
आपने 80 साल के अनुभव के बाद बोला मेरे को 80 मिनट भी नहीं हुए अभी पढ़ते हुए इसको, तो आप जो भी बोलोगे अभी मेरे को समझ में आने वाला। तो मेरा कहना यह रहता है कि ये महान लोगों की डेफिनेशंस आप पहले दिन नहीं पढ़ सकते। पढ़ने को क्या, पढ़ तो लोगे लेकिन वो समझ में नहीं आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, ये महान लोगों की डेफिनेशन वाला एक छोटा सा पोर्शन रोक के रखूंगा, थोड़े दिनों बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। और जो वीडियो पर सुन रहे हैं पहले ही बोल रहा हूं, हल्ला मत मचाना फ्रेंचाइजी पे, पढ़ाया नहीं दो पेज तो गायब ही हो गए। ठीक है, उसी के बाद अंदर उसमें दो चीज और है, एक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से बात करता हूं आपसे, इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कि देश दुनिया में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। आपने नाम तो सुने होंगे बहुत सारे बच्चों ने, पर नाम के बियॉन्ड अपन बात करते हैं। मैं इकोनॉमी पे जाने से पहले जैसा अपने आप हर कर रहा हूं, पहले एक सिंपलेस्ट स्टार्ट ले लें अपन। आप सब लोगों के जो दोस्त हैं, आप हो, आपके कुछ ऐसे पक्के वाले दोस्त होते हैं, हाँ सर, वो नालायक वाले बिल्कुल, जो कभी भी आपको फोन करके आपसे कुछ भी बात बोल सकते हैं, आपके घर में बिल्कुल ऐसे घूमते जैसे उनका घर हो। हाँ सर, हम भी उनके घर में ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे एक दो दोस्त होते ना। जरूरी नहीं है वो दोस्त आपके घर के सिस्टम की तरह चलता हो और उसके घर में भी वही सिस्टम चलता हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। जैसे कुछ घरों में जूते चप्पल बाहर उतारना कंपलसरी, अंदर घर की स्लीपर्स अलग अलग हैं, बाहर जूते उतारो अंदर आओ, पानी जब पीना है तो मटके को हाथ धोके ही मटके को हाथ लगाना, और एक बार ग्लास से पानी पी लिया तो वो झूठे में जाएगा, मंच के वापस आएगा। यस और नो? दूसरे का एक घर है, वो दोस्त, उसका सब बिंदास चलता, आओ जाओ कुछ नहीं है, पानी पीना है तो उस, आपके घर में मम्मी बोलती है बाहर वाला कोई नहीं आएगा, मेरे को बताना मैं पानी दूंगी, यहां आपके उसके घर तो पानी पीना है, खुद जाके पी ले। कुछ घरों में प्योर वेजिटेरियनिज्म फुल लेवल पे एक्सेप्ट होता है और कुछ घरों में वेजिटेरियनिज्म नहीं एक्सेप्ट होता, वहां पे नॉनवेज कंजम्पशन भी होता है। नो, माय क्वेश्चन इज, क्या जिस घर में जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं वहां का बच्चा या वहां का व्यक्ति बीमार नहीं होता क्या? होता है। जहां पे नॉनवेज खाए जाते हैं वो सब राक्षस हैं क्या? नहीं सर, सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल है। एग्जैक्टली द सेम वे, तो इनमें से कोई घर गलत या सही है क्या? या यूं कहें सर, हर घर का अपना अपना जीने का तरीका है। बस ऐसे ही हमारे देश है, ऐसे ही हमारे देश हैं सारे दुनिया भर के। कुछ देशों में माना जाता है हर इंसान को सब कुछ मिलना चाहिए, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, और वहां के लोगों के लिए मानता है बंदे हैं हम, उसके हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, सबको मिलेगा भाई, सबको सबको इक्वल इक्वल, ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरी तरफ लोग होते हैं जिसमें दम होगा वही इंजॉय करेगा, ऑप्शन टू। तीसरा घर ऐसा होता है, तीसरा देश ऐसा होता है, देखो भैया किसी में तो दम होता है किसी में नहीं होता है, तो हमें सबको खुश रखना, तो जिनको दम दिखाना है वो दम दिखाए, और जिनसे दम नहीं दिखाते बन रहा वो यहां आ जाए, हम इनका हेल्प भी कर देंगे, ऐसे भी देश है। एक तीन रेस बताता हूं मैं आपको, तीन रेस से आपको तीन इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। रेस नंबर वन, 8 बच्चे आके खड़े हुए और उनको बोला वहां पहुंच जाओ दौड़ लगा के, बोला अच्छा, बोला वहां जाओगे 8ों को ट्रॉफी भी मिलेगी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कौन सा? एक जैसा। तो ये 8ों गले में हाथ डाल के पैदल चल रहे होते हैं, क्योंकि मेरे को दौड़ने का कोई एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो सबको सेम है, करेक्ट। सेकंड, साहब वो सामने दौड़ना, आपको 8 लोग हो, 3 ट्रॉफी रखी हुई, जाके देख आओ, बड़े वाले की फर्स्ट की ट्रॉफी बड़ी है, सेकंड की थोड़ी छोटी है, थर्ड की और थोड़ी छोटी है, इसके अलावा किसी को ट्रॉफी नहीं है। ऑन योर मार्क गेट सेट गो, फर्राटे से दौड़ेंगे सब। अब तू भाग मिल्खा, वैसे मिल्खा भागेगा निकल के, और 3 को ट्रॉफी मिलेगी, यस और नो? बाकी 5 खाली रहेंगे। रेस 2, रेस 3, 8 बच्चे हैं,
चार वाकई में पांच कमजोर है, चार कमजोर है और चार हट्टे कट्टे हैं, आपको मालूम है ये चार बेचारे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आपने बोला बाबू तुम चार के बीच में रेस है, वो तीन ट्रॉफियां रखी हुई है, फर्स्ट की बड़ी, सेकंड की थोड़ी छोटी, थर्ड की और छोटी, और मार्क गेट सेट गो, और बाकी चार को बोलते मत दौड़ो, कंसोलेशन प्राइस लो। पहली इकोनॉमी जहां पे सबको इक्वल रिवॉर्ड है वो सोशलिज्म है, दूसरी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ काम करने वाले को रिवॉर्ड है वो कैपिटलिज्म है, और तीसरी इकोनॉमी जहां पर चार लोगों से कंपटीशन भी करवाई और बाकियों से कंपटीशन नहीं करवाई वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स। ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ये कोई ड्रेस नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, याद रखना। जैसे दूसरे का घर गलत नहीं है, तरीका अलग है, वैसे ये कंट्री का तरीका जीने का अलग है एज कंपेयर टू अदर्स। सर ये तरीका कौन डिसाइड कराता है, प्रभु पथ प्रदर्शित करते हैं क्या? ये रॉन्ग नंबर है, ये कोई फिरकी लेगा तुम्हारी, प्रभु नहीं प्रदर्शित करते पथ, पथ प्रदर्शित करते हैं वो लोग जिनको आप चुनते हो। द गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल लाइक यू एंड मी। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब अमेरिका में लोग चुनते ऐसे लोगों को हैं जो लोग बोलते साहब जिसको जितनी मेहनत करना करे, जो जितना कमा सकता कमाए, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। तो आप सिलेक्ट वैसे लोग करते, आप इलेक्ट वैसे लोग करते, तो वो लोग सोच भी वैसी रखते, वो देश की पॉलिसी और देश का फंक्शन भी वैसे ही तैयार करते हैं। सोशलिज्म में आप सब एक दूसरे की चिंता करते हो, तो आप आदमी ऐसा सिलेक्ट करते हो जो सबकी चिंता करे। लफड़ा सबसे ज्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी में, मन में अरमान है मैं मोनोपोलिस बन जाऊं, पर बताना नहीं है ना सबको, हाँ कि ना? सबसे मजेदार बात इस लाइन से सीखो, पापा जब दुकान पे बैठते हैं या बिजनेस में काम करते हैं तो वो चाहते हैं वो मोनोपोलिस्ट हो। मोनोपोलिस मतलब उनके अलावा कोई इस चीज को बेचे नहीं। लेकिन पापा जब शॉपिंग करने आपके साथ निकल रहे, यार वैरायटी नहीं होगी तो शॉपिंग में मजा कैसे आएगा, और वैरायटी के लिए कॉम्पिटिशन चाहिए। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी उलझती इधर है, एज अ सेलर आई वॉन्ट मोनोपोली, बट एज अ बायर आई वॉन्ट कॉम्पिटिशन। अभी सेम दोनों एक चीज एक साथ कैसे आएगी? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जिस एरिया में जो नेसेसिटीज है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो नेसेसिटीज पे हम मोनोपोली बनने नहीं देंगे, बाकी चीजों के लिए ओपन फॉर कॉम्पिटिशन कर दो आप। आज बींग ह्यूमन का शर्ट पुल के किनारे 80 रुपए में भी मिलता है, आया ना? बनियान टाइप का बिल्कुल, और फिर वो मॉल में भी मिलता है 660 रुपए का। इस देश में अगर आपको एक व्हाइट शर्ट खरीदना हो तो 150 में भी अवेलेबल है, 2000 में भी अवेलेबल है व्हाइट शर्ट, आपकी जहां मर्जी खरीद लो भाई। ये क्या है? ये कॉम्पिटिशन है। लेकिन जब मैं पेट्रोल खरीदने जाता हूं, मैं गैस खरीदने जाता हूं, मैं अनाज खरीदने जाता हूं, तो भाई साहब वो सब स्टैंडर्डाइज रखा है, बोले ये सब नेसेसिटीज है, इन पे हम कंट्रोल रखेंगे। तो दोनों तबके खुश रहते हैं। मॉल में जाओगे 120 रुपए किलो का बासमती चावल भी मिलेगा, पर 5 रुपए किलो में चावल मिलेगा भी सरकार की तरफ से आपको दावत ब्रांड बासमती राइस, और फिर वो राशन की दुकान से 5 रुपए किलो, आया ना? दोनों चीज है ना इस देश में, आया ना? मिक्स्ड इकोनॉमी, करेक्ट? तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स, ये खत्म नहीं हुआ यहां पे, यहां पे ये शुरू हुआ है। मैं कल इस पे समय दूंगा आपके साथ, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड। लेकिन आज जो पढ़ा उसका एक छोटा सा रीकैप मार दे जरा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम, आर्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड इन टू वेज, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो यूजेज द इंडक्टिव मेथड, मैक्रो यूजेज द डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल, डिडक्टिव मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर। यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? अच्छा, इज इट अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस? इज इट कनेक्टेड टू माइक्रो मैक्रो? पॉजिटिव नॉर्मेटिव का माइक्रो मैक्रो से कोई कनेक्शन है क्या? समझना, बच्चे उलझ जाते हैं क्योंकि साथ साथ पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है इंटरकनेक्टेड है। ये बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड, बट वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने और पढ़ाने वाले दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। सुनना मैंने क्या बोला,
इकोनॉमिक्स दो प्रकार से बोली और पढ़ाई जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका अलग है, माइक्रो मैक्रो ही रहेगा। यहां पे सिर्फ फैक्ट्स दे दिए जाते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। आपको बीमारी है, आपको बीमारी क्यों है और उसका क्या इलाज है वो कौन देगा? सो याद रखना, इट डज नॉट पासेस वैल्यू जजमेंट, इट पासेस वैल्यू जजमेंट। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहता है कि दिस मेथड इज साइंटिफिक बिकॉज यू आर गोइंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, दिस मेथड इज आर्टिस्टिक। तो आर्टिस्टिक के लिए उन्होंने दो तीन और नाम दे देना है, एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायोरी। अब ये क्या है सर? प्रायोरी, प्रायोरिटीज के हिसाब से आप डिसीजन लोगे। कोरिया की प्रायोरिटी क्या थी न्यूक्लियर पावर पे, बॉम्ब बनाने की? इंडिया की प्रायोरिटी क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायोरी, ये भी नाम है उसके। अपने को जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ेंगे ना तो हमको ध्यान रखना पड़ता है एक ही चीज को गोल गोल घुमा के वो पूछ सकते हैं। वो पूछे तो फिर कैसे आएगा वो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। बोलो साहब, क्लियर? इतनी बातें हमने आज करी। मैंने आज आपको कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स का एक फीलर दे दिया है, मैं कल और बात करूंगा। आप इसको नोट कर लो, ये एक नोट करके रखना है। प्रकाश भाई थोड़ा सा आप स्लो एंड ग्रेजुअल, आपको मालूम है कैसे, धीरे धीरे लेके बच्चों को ले। पहले देख लीजिए, इधर से ले जाना, पहले ये ले लेना पूरा और उसके बाद में अलग से लेना वो पॉजिटिव नॉर्मेटिव वाला। हो गया डन, नोट कर लिया? प्रकाश भाई हो गया, आपने कर लिया? एक बार इसको करना है।
चलिए फिर बाकी का डिस्कशन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू।